महाराज, दाल भात चोखा और करेला की कलौंजी जरा सफाई से बनाइएगा। ठाकुर साहब बहुत ही पसंद से खाते हैं जी। थोड़ा आम और कटहल का अचार भी निकाल लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। और हाँ, कल वट सावित्री की पूजा है, ओकरे प्रसाद के लिए चना भिगा दीजिएगा जरूरी से। जी बिल्कुल, का नाम के बीच में सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बड़ी ठाकुराइन, वो मेहंदी वाली आई है। दुल्हन लोगों से बोली? हाँ, पर कहा है कि बक्सर वाली भौजी को तो हमने कह दिया, लेकिन छुटकी दुल्हन से हम नहीं कह पाए। कहे कि उनका दरवाजा बंद था इसीलिए। ओ, ये छुटकी दुल्हन को दे देना। अच्छा। कहना जेवर है, सोना ने दिया है, और छुटकी को लेकर जल्दी से नीचे आ जा। ठीक है। महाराज, चना भिगाना भूलिएगा मत। जी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। ए, का नाम है तुहार? चल चल, जरा मेहंदी फिटवाने में हमारी मदद कर दे तो। चल चल जल्दी कर। आगे तुम लोग। प्रणाम ठाकुराइन। सुनो, सामान तो सब ठीक ठाक आया है ना? और कोनो चीज की जरूरत तो नहीं? मालकिन सब ठीक ठाक है। छुटकी दुल्हन का है और ये बड़ी ठकराइन का है। अलमीरा में अच्छा सा थाक लगा के रख देना। जा। दातुन की कितनी बार का कि बिना मुंह धोए कुछ मत खाए, लेकिन तुम लोग तो सुनोगे नहीं ना। रखो, जाओ जाके पहले दातुन करो फिर कुछ खाना। चलो यहाँ से, और जाके दातुन करना पहले। इनका देख, छोट छोट बच्चे उठ गए, लेकिन ये तो दोपहरिया तक सोएंगे। ए जी, उठिए ना, उठिए ना, हम बिस्तर वस्त्रा सही करके ही जाएंगे। सुहाग समर्पण की रस्म है, सब औरतों का आ चुकी है। उठिए तो सही, देखिए सूरज कहाँ पहुंच गया और अब सो रहे हैं अभी तक बच्चे। ओहो, एक तो पहले से ही देरी हो रही है, ऊपर से आपको रासलीला करना है। छोड़िए हमका, छोड़िए तो सही। ये कैसा लग रहा है? छुटकी दुल्हन? अरे जमनी, आजा आजा।
जेवर बड़ी ठकुराइन ने भेजे हैं। सुनार लेकर आया था। ये तोहफा तुम्हारे लिए। हमरे लिए? खोल के दिखाओ ना काहे। बाबा रे बाबा, इतना सुंदर। रुको। अरे पास भी कुछ है का? अब वो तो हमको पता नहीं, बाकी भैया जी भेजे थे तुम्हारे लिए। ओ, हमरे बक्से में पड़ा होगा। ई जमनी, हाँ मौका मिले तो निकाल देना। हाँ अब तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ वो नीचे सुहाग समर्पण के रस्म के लिए सब औरत लोग आई है। अरे तो पहले बताना था ना, तू बाहर इंतजार कर, हम जल्दी से तैयार होकर आते हैं। हाँ ठीक है। इसको वट सावित्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवी सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृतक पति सत्यवान के प्राण के लिए जमराज से टकराई थी और सावित्री के सतीत्व के आगे विवश होकर जमराज को भी सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े थे। इसलिए अगर अपने पति का साथ जन्म जन्मांतर तक चाहिए तो ये पूजा करना जरूरी होता है। आजा बेटा। शेखर कहाँ है? अरे कौनू कविता का अर्थ ढूंढ रहे होंगे, नहीं तो बांसुरी बजा रहे होंगे। ना कविता का अर्थ ढूंढ रहे हैं ना बांसुरी बजा रहे हैं, हम हाजिर हैं। अरे ठाकुरों के घर में घूंघट नहीं उठाया करते, चल घूंघट नीचे कर। इमा भी पता नहीं का हर साल तामा झामा करती रहती है। का मतलब? हे बबुआ, तुम लोगों की पत्नियां हर साल तुम लोगों के वास्ते कितना कठिन व्रत रखती हैं, ये कभी सोचा? तामा झामा सोच लिए?
ये कहाँ देख रहे हैं आप लोग? चलो चलो अपने अपने मेहंदी लगाओ, चलो। छुटकी दुल्हन के हाथ में मेहंदी चढ़ाओ रे। हम इन लोगों से मेहंदी नहीं लगवाएंगे, ये लोग बहुत गंदा डिजाइन बना रहे हैं। शादी शुदा हो, सुहागिन हो, मेहंदी लगाना तो जरूरी है ना। चलो लगा लो मेहंदी। ये तारी छुटकी दुल्हन के पास ले जाना है का? हाँ हाँ ले जाओ। ये चूड़ी कैसी लग रही है? मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? अरे वो लोग जो डिजाइन बना रहे थे ना, वो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो ना, हम तुम्हारे कल आए, हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक अच्छा सा डिजाइन बना दो। कौन है रे? यहां देख। अरे तू यहां तक आ गई? हम तो बस यहां। छुटकी दुल्हन, ये सत्यनाशी को हम ही बुलाए। काहे रे यहां तक काहे चली आई? नीचे रहना था ना। चल रुकिए। इसको हम जब भी देखते हैं हमको हमारी दरभंगा वाली दुलरिया की याद आ जाती है। बिल्कुल आइस नहीं दिखती थी, इकरी जैसी सुंदर। बस थोड़ी कानी मतलब बहंगी थी। ऐसी थी क्या? ठाकुर के सब हंसी टटोले ठीक नहीं। हंसी बंद होने में देर नहीं लगती। सत्यानाशी कहाँ चली आई? हम ठाकुर साहब देख लेते तो मुझी मारी गई। मुझी मारी गई का है? सौड़ क्या हवेली चली आई? जानते हैं कि मना करने के बाद भी चले आए थे, लेकिन उन्हीं को खोजने के लिए आए हैं।
रात आए थे कोठरी में, ये थोड़ा देर के बाद हवेली में लौटा है, तब से हमारे पास नहीं आया है। अरे सत्यानाश, आदमी जात है, काम काज करेगा कि नहीं? अरे फुर्सत पा क्या है बे करेगा, इतना मर्द के पीछे भागना ठीक है का? ई वक्त तो औरत को मर्द का साथ देना चाहिए। तो हम कौन सा साथ देने से मना किया, हम तो देना ही ना चाहते हैं साथ, लेकिन पहले मिले तो सही। पकड़िया यहाँ मिलेगा तोर गणेशिया, काहे नहीं मिलेंगे, यह तो है हवेली में, अभी हमारा हाथ पकड़ के नाच रहे थे, हम अंगूठी देके झट से पहचान लिए। काका सत्यानाशी, तेरी ई हिम्मत की तू हवेली के नाच गाने में शामिल होगी, मारी जाएगी तू, मारी जाएगी। उनसे मिलने के लिए जो ना करना पड़े सो, आप ही बताइए ना क्या करें उनसे मिलने के लिए। अरे चिरई, वो पूजा पाठ के काम से निपट के खेतन में गया ना। हाँ वहां जाएंगे तो हमसे मिलेंगे का, बताइए ना मिलेंगे का? एक तो देखो बहुत बेचैन हो रही है ना मिलने। पाए लागो ठाकुर साहब। वो का नाम है उसका? गणेशिया। वो गणेशिया तेरे पास आता है कि नहीं? आप उनको हमारे पास भेजे, आपकी बहुत ही कृपा है ठाकुर साहब। टेम वेम देता है कि नहीं ज्यादा? इसे सब काहे पूछ रहे, जाने दीजिए ना। ये लड़की तू जा। ए रुक, भाग्यवान हम इससे बात कर रहे हैं, आपसे नहीं। तो फिर आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है? कान बंद कर लीजिए तो आपको तकलीफ कम होगी। हाँ तो लड़की बता कि समय बिताता है ना बराबर? जी ठाकुर साहब, बहुत अच्छे हैं वो। बहुत अच्छा है, जा मस्त रह, दूधो नहाओ पूतों फलो। फड़फड़ाए ना, नहीं यहीं पर नोच दिया जाए तो हाथ चला लेके। छोड़िए हमको। हम कहते छोड़िए हमको।
हम काम बिगाड़ रहे हैं, हम काम को। छोड़िए हमको, हमको तो छोड़िए हमको। ए चुपचाप बैठो। रुक जाओ भाई। ठाकुर का बेटा, छोटा ठाकुर। अंदर आगे मत बढ़ा, गोली मार सब। गाड़ी निकाल ले, गाड़ी निकाल। हम करें, रुक जाइए, रुक जाइए, जाने दीजिए। घर जाओ। ये लड़की 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 कहाँ लगा रखे हैं? लाली नहीं कह सकते हैं का? ठीक है ठीक है, अब घर कहीं नहीं जा रही है। बस कह दिए जो कहना था, जा कहीं नहीं रही। अभी गुंडा लोग हमको लेकर जा रहे थे, पता नहीं क्या होता हमरे साथ। ये नहीं सोचे, ये नहीं पूछे कि ठीक है कि नहीं है। कह दिए घर जा। अरे कोई अपनी घर वाली के साथ ऐसे करता है का? हम अपना घर बार माई बाप सब छोड़ के आए हुए हैं, और आपको दो वक्त नहीं मिलता है हमरे साथ बिताने के लिए। हम जानते हैं आप काम में उलझे रहते हैं, लेकिन दिल में अगर ललक हो ना, तो आदमी आदमी के लिए वक्त निकाल ही लेता है। लेकिन आप तो हमारे बारे में सोचते ही नहीं। हम आपके साथ दो घड़ी बिताना चाहते हैं, लेकिन आपके पास तो जान भर भी नहीं है हमारे लिए। अगर हमसे कोनो गलती हुई है तो हमसे बोलिए, हम सजा पाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसे मुंह काहे मोड़े में हमसे? आप घर जाओ। हमें तुमसे कुछ कहना है। हमें तुमसे कुछ कहना है। खाना अच्छा नहीं बनाया का? नहीं नहीं, खाना अच्छा है। अच्छा है, तुम भी लो। तुम्हारी थाली कहाँ? हम एक थाली में नहीं खा सकते हैं का? अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, तो पूरा जिंदगी एक साथ मिलजुल के कैसे बिताएंगे? इतना बड़ा सौभाग्य का दिन है आज। अंगुली पर गिन गिन के दिन का इंतजार किए थे। आज हमारी तपस्या का फल भगवान जी हमको दे रहे हैं। आप भी कुछ बोलिए ना, तो आप जो हमें बोले जा रहे हैं। क्या हुआ? कहीं और खा लेते? ना ना, बस
यहाँ क्या कर रही हैं आप? छुटके ठाकुर, कहा है ना कल खेतन की सिंचाई है, सो हम चले आए मजूरों को समझाने। भरोसे लायक है ना सब? कैसी बातें कर रहे हैं छुटके ठाकुर, और हवेली में पहली बार थोड़ी काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार। लेकिन क्या बात है, ये सवाल आप आज हमसे काहे पूछ रहे हैं? आज कुछ लोग वो लड़की को का नाम है उनका लाली, लाली को कुछ लोग उठाने आए थे। हाँ, वो चिराई। हमको लगता है इनमें से एक था। अरे ना 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 चटके ठाकुर, जरूर आपको कोई भरम हो गया, ये सब मजबूर लोग हैं, इनकी का हिम्मत? ना ना ना, हम सच बताएं, हमें तो लगता है वो फूलन ठाकुर है ना, उनका काम है आपके बापू की पगड़ी उछालने का मौका नहीं छोड़ते। लेकिन ये चिड़ै की क्या जरूरत थी आधी रात को बाहर निकलने की? पर दुनिया तो गलत है ही, इंसान को कम से कम अपने तरह से तो सही रहना चाहिए कि नहीं? दुनिया गलत है, उसे सत्यानाशी से कब तक रोकेंगे छुटके ठाकुर? इतनी उम्र हो गई है हमारी, लेकिन आज भी हम अपने बाप को पहचान लेते हैं। और एक आप हैं, हमारे बगल से ऐसे मटक के गुजर रहे हैं जैसे हमें जानते ही नहीं। वहां कहां से आ रहे हैं आप, और कल रात कहां थे? मतलब हम जो कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहे आप। सही कह रहे हैं ना हम? अभी तक इतने दिनों से कुछ नहीं किया, खाली टाइम वेस्ट।